नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। विधानसभा के मॉनसून सत्र का जहां आज दूसरा दिन है, तो वहीं आपको बता दें कि लगातार विपक्ष अग्निपथ योजना का विरोध करता नजर आ रहा है। सदन में भी विपक्ष के द्वारा लगातार अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। जहाँ सदन में इसे लेकर की हंगामा तेज हुआ, तो वहीं सदन के कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एजेंडा विहीन लोग प्रोपगंडा क्रिएट कर इधर भी देखिए राष्ट्र को अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। पूरे दुनिया के 16 देशों में अग्निवीर के काम जारी है। और सुन लीजिए, बड़े बड़े देश, मल्टीनेशनल कंट्री, वहाँ कोई इस पर कुह आ नहीं हो रहा है। बिहार में मात्र 6% ही लोग सैनिक हैं, लेकिन बहुत ऐसा स्टेट है जहाँ 8-8% लोग सैनिक हैं, जहाँ 7% हैं, जहाँ 9% हैं, वहाँ इसका कोई हर हर खर खर नहीं है। लेकिन अज्ञान महापुरुष लोग, ज्ञान अज्ञान जो अग्निवीर के बारे में पूरा जानते नहीं है और एजेंडा से विहीन प्रोपगंडा क्रिएट कर जो देश का सैनिक अग्निवीर के समान पैदा होना चाहते हैं। भारत अब पहले की लड़ाई नहीं है, अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, ज्ञानता की लड़ाई है। और अग्निवीर को से हमारे रक्षा मंत्री और रक्षा के जो तीनों रक्षा के अध्यक्ष और इसके पहले भी जो रक्षा के जो प्रधान थे, इन सबों ने 2 साल इस पर चिंतन मंथन कर इस योजना को लागू किया। जो काम भारत सरकार का है, भारत की संविधान में जिसे अधिकार प्राप्त है जिस काम को करने के लिए, और जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में अज्ञान महापुरुष प्रोपगंडा क्रिएट कर एजेंडा को अलग करना चाहते हैं, तो वैसे तमाम लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अग्निवीर की पूरी योजना को पढ़े, ज्ञान हासिल करे और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए जो हमारे रक्षा मंत्रालय ने जो सुन लीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे दुनिया में भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के दृष्टि से जो अग्निवीरों का जो काम जारी किया है, इसके पूरा देश और पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जो भारत के मुख्य धारा को विमुख कर और ऐसे प्रोपगंडा क्रिएट कर एजेंडा से विहीन भारत को ले जाना चाहते हैं, तो वह ताकत भी समझ ले कि उत्तर प्रदेश में 2 पार्लियामेंट क्षेत्र के चुनाव हुए हैं और वहां इस अग्निवीरों के समर्थन में जनता ने भारी मतों से ऐसा तथा कथित लोगों को शिकस्त करने का काम किया है और यह बात साबित हो गया कि जनमत अग्निवीर के साथ है और रहेगा। तो देखा आपने, प्रमोद कुमार का कहना है कि पहले विपक्षी दल को इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या, फिर जाकर इस पर कुछ कहना चाहिए। उनका कहना है कि पहले विपक्षी दल इस पूरे योजना के बारे में अध्ययन करें, फिर जाकर इसका विरोध करें। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। Thank you.